कछुए की बात खत्म होते ही वहां एक पल के लिए शांति छा जाती है, पर अगले ही पल बाद दरवाजे की तरफ से एक आवाज आती है। वो काली साई का अंत करने आई है। उस आवाज को सुन सब लोग हैरान हो जाते हैं और दरवाजे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, ये जानने के लिए कि वो आवाज किसकी है। वहां दरवाजे पर चैटर्जी खड़ा था। वो तब से उस कमरे में था जब से युग और उसके दोस्त वंदना से चित्रा के बारे में पूछ रहे थे। चैटर्जी ने सबकी सारी बातें सुन ली थी और तारा ने जो बताया था वो भी। चैटर्जी दरवाजे से कमरे के अंदर आता है तो कायर डरते हुए हकलाहट के साथ उससे कहता है, क्या कहा, काले साई का अंत करने? चैटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर, काले साई का अंत करने। तुमने सुना नहीं था क्या, तारा ने हमें क्या बताया था? चित्रा जी वंदना से कह रही थी कि वो सबके सामने आएगी, पर तब जब वो उस काले साई का अंत कर देगी। इसका मतलब वो काले साई का अंत करने के लिए ही यहाँ पर आई है, कछुआ झट से बोल पड़ता है। पर चित्रा आंटी उस काले साई का अंत करेगी कैसे? उस काले साई का अंत तो खुद यक्षिणी, मेरा मतलब है कि यामिनी नहीं कर पाई है, तो फिर वो कैसे? इतना कहकर कछुआ बड़बड़ाने लग जाता है, पर चैटर्जी समझ जाता है कि कछुआ इसके आगे क्या कहने वाला था। चैटर्जी पलट कर कहता है, अब तो वो चित्रा जी ही जानती हैं कि वो उस काले साई का अंत कैसे करने वाली हैं। उनके पास कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। कोई कुछ कहता उससे पहले युग झट से बोल पड़ता है, वो कुछ नहीं करने वाली है, उनके पास कोई प्लान नहीं है, वो बस हम सबको धोखे में रख रही हैं, जैसे आज तक उन्होंने वंदना भाभी को रखा था, उनसे ये कहकर कि वो मेरी भलाई के लिए मुझे छोड़कर गई थी। युग की ये बात कहते ही सब लोग उसकी तरफ एकटक देखने लग जाते हैं, उसे घूरने लग जाते हैं। युग गुस्से के साथ कहता है, मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, बिना अपने मतलब के वो कोई काम नहीं करती है। वो इतने सालों बाद वापस लौट कर आई है तो जरूर अपने ही किसी काम से आई होगी, और उस काम के होते ही वो वापस चली जाएगी, उस काले साई का अंत किए बिना। वो उस काले साई का कुछ नहीं करने वाली है, यामिनी बीच में दखल देते हुए कहती है। पर युग बाबू, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि... यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले युग उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, तुम तो चुप ही रहो यामिनी, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे पता है तुम अभी भी माँ का ही साइड लोगी, आखिर तुम एक औरत जो, और एक औरत हमेशा औरत का ही साथ देती है, कभी सही और गलत नहीं देखती है। यामिनी हिचकिचाहट के साथ हिम्मत करके युग को समझाने के मन से कहती है, नहीं युग बाबू, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये कह रही थी कि... युग फिर यामिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, मैंने कहा ना यामिनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यामिनी पलट कर कहती है, पर क्यों युग बाबू, क्यों आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी है? युग गुस्से के साथ ही कहता है, मैं तुमसे बात क्यों करूं यामिनी, जब तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करना है। ना तुमने मेरी इस बात पर यकीन किया था कि मुझे माँ दिखी थी, ना उस कहानी पर यकीन किया था जो मैंने लिखी थी, तुम्हें तो वो कहानी झूठी लग रही थी। यामिनी खामोशी के साथ खड़ी रहती है, युग की सारी बातें सुनती रहती है। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बड़े ही आक्रोश भरे लहजे में कहता है, तुमने सुना ना तारा ने हमें क्या बताया, जब वंदना भाभी ने माँ से प्रशांत अंकल के साथ बिताई हुई रात के बारे में पूछा था तो वो किस तरह घबरा गई थी और बड़े ताव से पूछ रही थी कि उन्हें ये बात कैसे पता चली। इसका मतलब ये है कि ये बात सच है कि माँ और प्रशांत अंकल का चक्कर चल रहा था, वो उन्हीं के साथ भागी थी। यामिनी अभी भी कुछ नहीं कहती है। तारा ने वंदना और चित्रा के बीच की जो बातें बताई थी उसे सुनकर यामिनी भी मजबूर हो गई थी, युग ने जो कहानी लिखी थी उस पर यकीन करने के लिए। सिर्फ यामिनी नहीं, कमरे के अंदर मौजूद बाकी सब लोग भी उस कहानी पर यकीन करने के लिए अब मजबूर हो गए थे। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, उस कहानी में लिखी हर एक बात सच है, कुछ झूठ नहीं है, समझी तुम? जब यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है तो कुछ देर के लिए युग भी खामोश हो जाता है, उससे कुछ नहीं कहता है। युग कुछ सोचते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, मुझे जाना होगा, जाना होगा मुझे। यामिनी युग से कुछ पूछती उससे पहले ही कछुआ उन दोनों के बीच हुई बहस का फायदा उठाते हुए बोल पड़ता है, जाना होगा, पर कहाँ युग, तू कहाँ पर जाने की बात कर रहा है? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, माँ को ढूंढने, कछुआ मुझे माँ को ढूंढना होगा, क्योंकि वही है जो उस काले साई के बारे में जानती है, और हमें भी तो उस काले साई के बारे में ही पता करना था ना, उसका अंत करने के लिए। वंदना मन ही मन घबराते हुए सोचती है, जिस बात का डर था वही हुआ, युग बाहर जाने की जिद कर रहा है और चाची ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए युग को हवेली से बाहर मत जाने देना, मुझे युग को रोकना होगा। युग अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, माँ उसी काला झाड़ी जंगल में होगी, मैं जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने। वंदना तुरंत युग को रोकते हुए कहती है, नहीं युग, तुम कहीं मत जाओ, बाहर तुम्हारी जान को खतरा है,
चाची ने तुम्हें यही हवेली में रहने के लिए कहा है। युग पलट कर कहता है, वरना भाभी माँ बस आपको डरा रही थी और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं करने वाली है, जो करना है हमें ही करना होगा। मुझे बस उनसे उस काले साए के बारे में पूछना है, उसी के लिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वरना मुझे भी उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है, मैं तो उनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, उनसे मिलना मेरी मजबूरी है। वंदना युग की बात को अनसुना करते हुए कहती है, युग जो भी हो पर मैंने चित्रा चाची से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हवेली से बाहर नहीं जाने दूंगी, और इस बार मैं उनका दिया वादा नहीं तोड़ने वाली, आखिर वो मुझ पर विश्वास करती हैं। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा वंदना भाभी, माँ आप पर विश्वास करती हैं? कैसा विश्वास वंदना भाभी, अगर वो आप पर विश्वास करती होती तो आपको सब कुछ बता चुकी होती, उस काले साए के बारे में भी बता चुकी होती, पर उन्होंने आपको उस काले साए के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब उनको आप पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, समझिए आप। युग के तीखे जवाब ने वंदना की बोलती बंद कर दी थी। युग ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चित्रा को काला झाड़ी जंगल में ढूंढने जाकर ही रहेगा। युग ने फिर अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि यामिनी झट से बोल पड़ती है, रुक जाइए युग बाबू, आपको क्या लगता है चित्रा आंटी अभी भी वहीं पर होगी? आपने और हम सब ने मिलकर पूरे काला झाड़ी जंगल में चित्रा आंटी को ढूंढा था ना, क्या वो हमें वहां पर मिली थी? नहीं मिली थी ना, वो वहां से जा चुकी है, अब आप उन्हें कहां पर ढूंढते फिरेंगे? यामिनी की बात ने युग को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। सच तो ये था कि काली बारिश में भीगने के कारण युग को भी अंदर से कमजोरी महसूस होने लग गई थी, पर वो सबको ऐसे जता रहा था कि उसे कुछ हुआ ही ना हो, वो बस चित्रा को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जिद करे जा रहा था। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, एक बार जरा अपनी हालत देखिए युग बाबू, पूरी आंखें काली हो गई हैं काली बारिश में भीगने के कारण। चित्रा आंटी ने बिल्कुल सही कहा है, आपको हवेली से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। युग पलट कर कुछ कहता उससे पहले कायर भी बोल पड़ता है, हाँ युग, यामिनी सही कह रही है, और वैसे भी चित्रा आंटी ने कहा है ना कि वो अमावस्या तक उस काले साए का अंत कर देगी, मुझे लगता है हमें तब तक यहीं हवेली में रहना चाहिए, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। वर्चस्विनी कायर का साथ देते हुए कहती है, कायर बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी यही लगता है कि हमें अमावस्या निकल जाने तक यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। युग हिचकिचाहट के साथ कहता है, अभी अमावस्या आने में एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त है, पर अगर उसके आने से पहले ही उस काले साए ने कुछ और कर दिया तो क्या करेंगे हम? वंदना बोल पड़ती है, वो और क्या करेगा युग, तुम ही बताओ, ये काली बारिश क्या कम है जो अपनी शक्ति का वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ और भी करेगा? मुझे नहीं लगता वो अब कुछ करने वाला है, अब जो करेगी वो चित्रा चाची है। युग कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही तारा युग के पास जाती है और युग का हाथ पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहती है, आप कहीं मत जाइए युग भैया, यहीं पर रहिए, आपको आराम करना चाहिए। तारा ने यह बात युग से इतने प्यार से बोली थी कि युग तारा को मना ही नहीं कर पाया था, उसकी आवाज में कहीं खो सा गया था। अभी तारा ने युग का हाथ पकड़ा ही था कि तभी तारा झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तारा और युग के हाथ के बीच में से वापस से सफेद रोशनी निकलने लग जाती है, वैसी सफेद रोशनी जैसी वंदना और तारा के हाथ के बीच में से निकली थी जब तारा ने वंदना का हाथ पकड़ा था। तारा ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। युग ने अंदाजा लगा लिया था कि इस बार भी तारा जरूर उसका हाथ पकड़कर उसके बारे में कुछ ना कुछ देख रही है, पर वो क्या देख रही थी ये सिर्फ तारा जानती थी। वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, सिर्फ युग ही नहीं बल्कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि तारा उसका हाथ पकड़कर क्या देख रही है, उसे क्या महसूस हो रहा था। तारा ने अभी युग का हाथ पकड़कर ही रखा हुआ था कि देखते ही देखते उनके हाथों के बीच से निकलती सफेद रोशनी कम होने लग जाती, सफेद रोशनी वापस से गायब हो जाती है, युग और तारा का हाथ नजर आने लग जाता है। तारा की आंखें अभी भी बंद थी, जैसे ही वो सफेद रोशनी गायब होती है इस बार तारा अपनी आंखें नहीं खोलती है बल्कि बेहोश होकर फर्श पर ही झट से गिर जाती है। वर्चस्विनी चीखती है, तारा बेटी। यामिनी भी तुरंत तारा के पास जाती है और उसे उठाने लग जाती है। युग और यामिनी दोनों तारा को बड़े आराम से उठाते हैं और बेड पर रख देते हैं। वर्चस्विनी तारा को हिलाते हुए कहती है, उठो तारा बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया तारा बेटी? यामिनी तारा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तारा को कुछ नहीं हुआ वर्चस्विनी जी, वो बस बेहोश हो गई है। वर्चस्विनी पलट कर पूछती है, बेहोश हो गई पर कैसे? यामिनी वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, शायद युग बाबू का हाथ पकड़ने के कारण। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरा हाथ पकड़ने के कारण? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, आपका हाथ पकड़ने के कारण। मेरे ख्याल से तारा ने आपका हाथ पकड़कर फिर कुछ देखा है जिस कारण उसकी शक्ति का उपयोग हुआ है,
और तारा ने अभी कुछ देर पहले ही वंदना पर भी अपनी शक्ति का उपयोग किया है। एक दिन में ही इतनी बार अपनी शक्ति का उपयोग करने से शायद वो बेहोश हो गई है। आखिर है तो ये एक बच्ची ही ना, यह अभी भी अपनी शक्ति पर सही से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। वर्चस्वी ने नम आंखों के साथ कहती है, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, ये ठीक तो हो जाएगी ना। यामिनी वर्चस्विनी को दिलासा देते हुए कहती है, हाँ वर्चस्विनी जी, तारा को कुछ ही देर में होश आ जाएगा, ये बस बेहोश हो गई है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वर्चस्विनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस अपना हाथ तारा के सिर पर फेरने लग जाती है। कछुआ घबराते हुए मन ही मन सोचता है, तारा ने युग का हाथ पकड़कर ऐसा क्या देख लिया कि वो सीधे बेहोश ही हो गई। जरूर उसने कुछ ना कुछ बुरा ही देखा है, तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। तारा की ऐसी हालत देखकर युग भी बाहर जाने की जिद छोड़ देता है और कमरे में ही कोई सा कोना देखकर वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद तारा को अभी तक होश नहीं आया था। वर्चस्विनी तारा के पास ही बैठी हुई थी और बार बार उसके सिर पर हाथ फेरे जा रही थी। सभी लोग खामोशी के साथ कमरे में बैठे हुए थे। उनको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो तारा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। यामिनी कमरे के अंदर बैठी हुई थी कि तभी वो फिर वही बात नोटिस करती है जो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी कि कमरे में अभिमन्यु और डायना अभी तक नहीं आए थे, वो भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद। यामिनी मन ही मन सोचती है, ये अभिमन्यु और डायना कर क्या रहे हैं कि इन्हें जरा सा भी होश नहीं है कि हवेली में चल क्या रहे। यहाँ तक कि चैटर्जी भी यहाँ की हलचल सुनकर यहाँ पर आ गया, पर ये दोनों नहीं आए, मुझे उन्हें जाकर देखना ही होगा। इतना कहकर यामिनी तुरंत अपनी जगह पर से उठती है और कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। इतना सब हो जाने के बाद भी अभिमन्यु और डायना वहां नहीं आए थे, ये सोचकर यामिनी तुरंत अपनी जगह पर से उठती है और कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। यामिनी इतने आहिस्ते से कमरे के अंदर से निकलती है कि किसी का उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। किसी का उस पर ध्यान जाता भी कैसे, सबका ध्यान तारा के ऊपर था। हर कोई उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था ये जानने के लिए कि आखिर युग का हाथ पकड़ते ही तारा ने क्या देखा था, उसे क्या महसूस हुआ था जिस कारण वो तुरंत बेहोश हो गई थी। इस तरफ कमरे के अंदर अभिमन्यु और डायना के बीच अभी तक बहस चल रही थी। उनके बीच कई घंटों से बहस चल रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे। डायना अभिमन्यु को सब कुछ बताने के लिए बोल रही थी तो अभिमन्यु डायना को सब कुछ बताने के लिए बोल रहा था। दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को कुछ बताना नहीं चाहते हैं, पर सच तो ये था कि दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताना चाहते थे। पर कोई चीज थी जो उन्हें रोके हुए थी, जिस वजह से वो एक दूसरे को कुछ बता नहीं पा रहे थे। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसके बोझ तले आप ऐसे दबे होते हैं कि सच छुपाने के लिए मजबूर होते हैं, और ऐसी ही मजबूरियां डायना और अभिमन्यु के साथ बनी हुई थी कि वो चाहते हुए भी एक दूसरे को कुछ नहीं बता सकते थे। अभिमन्यु डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, डायना तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि वो हीरा तुम्हें क्यों चाहिए था, तुम उसका क्या करने वाली थी। डायना पलट कर कहती है, अभी तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें एक अस्त्र के बारे में किसने बताया। अभिमन्यु डायना को गुस्से से घूरते हुए कहता है, ओ डायना डायना, तुम अभी भी उसी बात पर अड़ी हुई हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। डायना भी उसी लहजे में पलट कर कहती है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। अभी मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो, और कितना झगड़ोगे मुझसे। अभिमन्यु के समझ नहीं आ रहा था कि वो डायना के मुंह से सारी सच्चाई कैसे उगलवाए। वो कई सारी कोशिशें कर चुका था पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। डायना उसे कुछ बता ही नहीं रही थी। अभिमन्यु सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कैसे डायना के मुंह से सारी सच्चाई उगलवाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो बड़े प्यार से डायना की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना डायना। अचानक से अभिमन्यु के मुंह से ये सवाल सुनकर डायना को एक झटका सा लगता है।
उसे इस वक्त अभिमन्यु से ऐसे सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके सवाल ने डायना को एकदम से खामोश कर दिया था। अभिमन्यु फिर डायना पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, तुम चुप क्यों खड़ी हो डायना, बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? डायना कुछ हिचकिचाहट के साथ कहती है, ये तुम क्या पूछने लग गए अभी एकदम से? अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, बातें मत बदलो डायना, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? डायना बड़े ही प्यार से अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है अभी? तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है? मैं अपने आप से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। अभिमन्यु अपनी चाल चलते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो डायना। डायना अभिमन्यु की चालाकी को समझ जाती है और वो भी चालाकी दिखाते हुए कहती है, मेरे प्यार को अपने सवालों से तोल रहे हो अभी? अभिमन्यु पलट कर कहता है, तोल नहीं रहा हूँ डायना, बस देख रहा हूँ कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या बस प्यार करने का दिखावा कर रही हो। डायना अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करने का दिखावा क्यों करूंगी अभी? मैंने अपना सब कुछ तो वैसे ही तुम्हें दे दिया है, और अगर मुझे दिखावा ही करना होता अभी तो कब से वो हीरा तुम्हारे हाथों से लेकर यहाँ से जा चुकी होती। पर मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, इस आस से कि एक न एक दिन वो प्यार मुझे जरूर मिलेगा। अभिमन्यु डायना को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो फिर साबित करो डायना। डायना मुंह बनाते हुए पूछती है, साबित करूं पर कैसे अभी? अभिमन्यु पलट कर कहता है, मेरे सवाल का जवाब देकर डायना। डायना अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, अच्छा तरीका निकाला है अभी तुमने मेरे प्यार को परखने का भी और अपना मतलब निकालने का भी। अभिमन्यु को गिल्टी फील होने लग जाता है और वो शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अगर अपने प्यार को साबित करने के लिए मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब ही देना है तो ठीक है अभी, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अपने प्यार को साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, अभिमन्यु तुरंत अपनी नजरें ऊपर कर लेता है और डायना को घूरने लग जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि डायना उसकी बात इतनी आसानी से मान जाएगी, उसकी प्यार भरी बातों में आ जाएगी। डायना एक लंबी आह भरते हुए कहती है, पूछो अभी क्या पूछना है तुम्हें, पर बस एक सवाल, मैं बस तुम्हारे एक ही सवाल का जवाब दूंगी, इसलिए जो पूछना है सोच समझ कर पूछना। डायना की बात ने अभिमन्यु को फिर से दुविधा में डाल दिया था, क्योंकि उसके मन में कई सारे सवाल थे जो वो उससे पूछना चाहता था, पर उसने भी उसके सामने एक शर्त रख दी थी जिस कारण वो भी उलझ गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था वो डायना से अपने मन का कौन सा सवाल पूछे, डायना से क्या पूछना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। डायना इसी बात का फायदा उठाते हुए हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु से कहती है, पूछो अभी, जल्दी पूछो क्या पूछना है तुम्हें, वरना अगर मेरा मन बदल गया तो फिर मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अभिमन्यु और ज्यादा बौखला जाता है। डायना की ये बात सुनकर उसके मन की हलचल बढ़ने लग जाती है। डायना फिर बोल पड़ती है, पूछो अभी क्या पूछना है तुम्हें, जल्दी पूछो वरना। डायना अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही अभिमन्यु झट से डायना से पूछ पड़ता है, तुम्हें हरा हीरा लेने के लिए किसने भेजा था डायना? डायना अभिमन्यु के सवाल से हैरानी से एकदम खामोश खड़ी रह जाती है। अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। डायना को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो इस वक्त भी अभिमन्यु के इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अभिमन्यु डायना पर दबाव बनाते हुए कहता है, क्या हुआ डायना, तुम चुप क्यों हो गई, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम तो मेरे सवाल का जवाब देकर अपने प्यार को साबित करने वाली थी ना, तो क्या हुआ अब तुम्हें अपने प्यार को साबित नहीं करना? डायना अभी भी कुछ नहीं कहती है। अभिमन्यु डायना पर तंज कसते हुए कहता है, तुम प्यार को तो तब साबित करोगी ना डायना जब तुम मुझसे प्यार करती होगी, सच तो यह है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही डायना अंदर से पूरी तरह गुस्से से भर जाती है और वो झट से बोल पड़ती है, तुम जवाब चाहते हो ना, अभी जानना चाहते हो ना मुझे हरा हीरा लेने के लिए किसने भेजा था, तो सुनो। डायना की ये बात बोलते ही अभिमन्यु का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। डायना से इस सवाल का जवाब पाने के लिए उसका मन बहुत बेताब था। डायना एक लंबी आह अपने सीने में भरती है और उसे छोड़ते हुए कहती है, मुझे महाडायन ने भेजा था अभी। अभिमन्यु हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या कहा, महाडायन ने? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभी, मुझे वो हीरा लेने के लिए महाडायन ने ही यहाँ पर भेजा था, मैं महाडायन के कहने पर ही यहाँ पर आई थी, पर यहाँ आकर मैं तुमसे प्यार कर बैठी और वो हीरा ले ही नहीं पाई। अभिमन्यु डायना की बात पर गौर फरमाते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम महाडायन को जानती हो?
डायना कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु का फोन बजने लग जाता है, जिस कारण डायना का ध्यान अभिमन्यु के सवाल पर से हट जाता है और अभिमन्यु के मोबाइल पर चले जाता है जो लगातार बजे जा रहा था। अभिमन्यु तुरंत अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकालता है और बिना उसे देखे फोन कट कर देता है। फोन के कट होते ही अभिमन्यु फिर एक बार डायना से पूछ पड़ता है, बोलो डायना कौन है महाडायन, मेरे सवाल का जवाब दो। डायना के सवाल का जवाब देने से पहले फिर एक बार अभिमन्यु का मोबाइल बजने लग जाता है। पिछले बार की तरह इस बार भी अभिमन्यु बिना मोबाइल की स्क्रीन देखे फोन कट कर देता है। अभिमन्यु फिर डायना से हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या ये वही महाडायन है जिसने यक्षिणी, मेरा मतलब है कि यामिनी की माँ को उस रात अभिशापित कर दिया था भक्ष्यानर के साथ संभोग करने के कारण। डायना के दिमाग से बात निकल जाती है कि उसे बस अभिमन्यु के एक सवाल का जवाब देना था और वो फ्लो फ्लो में जवाब दे बैठती है, नहीं अभी ये वो महाडायन नहीं है, वो महाडायन तो उसी वक्त मर गई थी जब उसने यामिनी की माँ को अभिशाप दिया था, तभी तो वो अभिशाप इतना प्रभावशाली है कि यामिनी को भी वो अभिशाप लग गया यक्षिणी की बेटी होने के कारण। अभिमन्यु पलट कर पूछता है, तो फिर वो महाडायन कौन है डायना जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा। अभिमन्यु अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, क्या ये वही पंचम गांव वाली महाडायन है जो अनुराग अंकल के शरीर की रक्षा कर रही थी, जो युग कायर और कछुए को दिखी थी जब वो पंचम गांव गए थे। डायना फ्लो फ्लो में जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उससे पहले फिर एक बार अभिमन्यु का फोन बजने लग जाता है। बार बार मोबाइल बजने के कारण अभिमन्यु चिढ़ने लगता है और वो गुस्से के साथ अपने मोबाइल की तरफ देखने लग जाता है। इस बार जब वो मोबाइल को देखता है तो उसके मोबाइल की स्क्रीन पर नजर पड़ती है और जैसे ही उसकी स्क्रीन पर नजर पड़ती है अभिमन्यु बिना देरी किए हड़बड़ाहट के साथ फोन उठाते हुए कहता है, हेलो हाँ बोल रहा हूँ कहिए। अभिमन्यु फोन पर बात करने लग जाता है। डायना अभिमन्यु पर ही अपनी नजरें गड़ाए हुए थी, वो सुनने की कोशिश कर रही थी कि दूसरी तरफ से कोई अभिमन्यु से क्या बात कर रहा था, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे अभिमन्यु की बात होते जा रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे, वो शॉक्ड होते जा रहा था जैसे वो कोई सी ऐसी बात सुन रहा हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। डायना अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहती है, ये इतनी रात में अभी को किसका फोन आ गया जिस कारण ये इतना परेशान हो रहा है। अभिमन्यु अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर अभिमन्यु फोन कट कर देता है और तुरंत अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख लेता है। फोन पर बात करने के कारण अभिमन्यु कुछ परेशान हो गया था, पर उसके दिमाग में ये बात अच्छे से थी कि फोन आने से पहले वो डायना से कुछ पूछ रहा था। अभिमन्यु तुरंत डायना की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, हाँ बोलो डायना क्या बोल रही थी तुम। डायना चालाकी के साथ जवाब देती है, मुझे जो बोलना था वो मैं बोल चुकी हूँ अभी और अपने प्यार को भी साबित कर चुकी हूँ, तुम्हें एक सवाल की जगह दो सवालों का जवाब दे चुकी हूँ। देखा कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे कि एक सवाल का जवाब देने की जगह मैंने तुम्हें दो सवालों के जवाब दे दिए। इसे कहते हैं प्यार जो तुम मुझसे नहीं करते। अभिमन्यु डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, डायना तुम फिर शुरू हो गई, डायना तुम ना। इतना कहकर अभिमन्यु खुद चुप हो जाता है और बात को पलटते हुए कहता है, तुम ना छोड़ो डायना, अभी मेरे पास तुमसे फिर से बहस करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तुम्हें नहीं बताना कुछ मत बताओ, अब मुझे भी कुछ नहीं जानना है। डायना के बिल्कुल समझ नहीं आता कि अभिमन्यु को ऐसा किसका कॉल आ गया था जो वो इतना बोर आ गया था। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे जाना होगा। डायना तुरंत हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछती है, जाना होगा पर कहाँ। अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, जहन्नुम में। डायना पलट कर कहती है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो अभी, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम जहां जाओगे मैं वहां पर तुम्हारे साथ चलूंगी। अभिमन्यु गुस्से के साथ डायना को घूरता है और बिना कुछ कहे मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर जाने लग जाता है। डायना फिर अभिमन्यु को रोकते हुए कहती है, अभी सुनो तो कहां जा रहे हो, बताकर तो जाओ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।